भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही गुरुकुल की परंपरा आई है। गुरु ही शिक्षक के रूप में सदा से शिक्षा देते रहे हैं। शिक्षक दिवस पर गुरु शिष्य के संबंध का अनूठा नजारा यहाँ तेरापन नगर में चातुर्मास कर रहे पूज्य आचार्य महाश्रमण जी के सानिध्य में देखने को मिला। तेरापन धर्म संघ के 11वें अनुशासता आचार्य महाश्रमण जी के अनुशासन में 700 से अधिक साधु साध्वी साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अनेकों श्रावक श्राविकाएं धर्माचरण कर रही है। उन्हें शिक्षक के रूप में गुरु महाश्रमण जी निरंतर अध्यात्म का पथ दर्शन करते रहते हैं। पर्युषण के द्वितीय दिन स्वाध्याय दिवस पर आचार्य श्री ने स्वाध्याय की महत्ता बताते हुए कई बाल मुनि साध्वियों से स्वाध्याय अध्ययन का लेखा जोगा लिया एवं अध्ययन की प्रेरणा दी। आचार्य श्री को शिक्षक रूप देख हर कोई अभिभूत था। भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने कहा, जैन लोकवाद के अनुसार हम जिस मनुष्य क्षेत्र में रहते हैं वे 2.5 द्वीप में जम्बू द्वीप पर है। इसी जम्बू द्वीप के महाविदेश क्षेत्र की जयंती नगरी में भगवान महावीर के जीव का नैसार भव में जन्म हुआ। एक बार नैसार जंगल में लकड़ियां काटने गया, जहां उसे संत मिले जो रास्ता भटक गए थे। नैसार ने भक्ति पूर्वक अपने भोजन का उन संयमी संतों को दान दिया, तत्पश्चात उन्हें सही मार्ग बताया। आचार्य प्रवर ने आगे कहा कि शुद्ध दान का बहुत महत्व होता है। साधु तो अंकिंचन त्यागी पुरुष होते हैं। गृहस्थ सोचे कि मैं किस प्रकार साधु संतों की साधना में सहयोगी बन सकूं। अपने प्रासुक भोजन वस्त्र स्थान आदि के भक्ति पूर्वक दान की भावना श्रावक के मन में रहे। अनंत अनंत जन्मों में जिस समय में समय तत्व की प्राप्ति होती है वह बहुत बड़ी बात होती है। स्वाध्याय दिवस के संदर्भ में आचार्य प्रवर ने कहा कि स्वाध्याय संयम को सिंचन देने वाला अमृत है। स्वाध्याय करने से कितना नवीन ज्ञान हमें प्राप्त होता है। दिनचर्या में कुछ समय स्वाध्याय के लिए अवश्य लगाना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य मुनि महावीर कुमार, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा एवं मुख्य नियोजिका साध्वी विश्रुत विभाजी का सार गर्भित वक्तव्य हुआ। साध्वी वर्या समुन यशा जी ने दिवस गीत का संगान किया। आचार्य श्री के सानिध्य में मुनि पारस कुमार जी ने 48 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान किया। ते भी है कि पूर्व में मुनिश्री ने 1 से 47 तक तपस्या की लड़ी संपन्न की हुई है। मुनिश्री के द्वारा 2 बार धर्मचक्र एवं 51-54 दिन की तपस्या भी मुनिश्री द्वारा हुई है। संतों में मुनि पारस जी एकमात्र संत है जिन्होंने इस प्रकार की तपस्या की है। आचार्य श्री ने मुनि पारस कुमार को आशीर्वाद प्रदान करते हुए अग्रणी की वंदना करवाई।